हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू देव आई स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है देव आई स्टडी सेंटर में। आज हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी मटेरिया इन अवर लेक्चर सीरीज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। पेरी मटेरिया जो है वो साम्य विषय वस्तु से रिलेटेड है। साम्य विषय वस्तु यानी कि जिसकी विषय वस्तु सेम है, तो इसका निर्वचन करते समय एक दूसरे का सहारा लिया जाएगा और दोनों को समान निर्वचन किया जाएगा। जब दो अधिनियमों के विषय वस्तु समान हो, दोनों के ऑब्जेक्टिव जब स्वयं होते हैं, तो वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी मटेरिया आता है, लागू करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी मटेरिया। अब यहाँ पर मैक्सवेल हैं, मैक्सवेल ने बताया कि जब साम्य विषय वस्तु के भिन्न भिन्न कानून हैं और यानी कि जो जिनका सब्जेक्ट मैटर सेम है, उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, तो वहाँ पर चाहे उनके अलग अलग कानून हो और उन्हें भिन्न भिन्न समय में पारित किया गया हो और चाहे वो समाप्त ही क्यों ना कर दिए गए हों, उनका रेफरेंस एक दूसरे में रहेगा। यानी कि वह एक दूसरे से संबंध अगर नहीं भी रखते हैं तो भी अगर हम उनका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम उनका अर्थ समान निकालेंगे। जहाँ साम्य विषय वस्तु के भिन्न भिन्न कानून हैं और उन्हें भिन्न माध्यम से पारित किया गया है, चाहे वे समाप्त हो चुके हों, चाहे एक दूसरे से संबंध न रखते हों, मगर इंटरप्रिटेशन करते वक्त दोनों का समान अर्थ निकाला जाएगा। अब इसमें जैसे केस है मद्रास वर्सेस एवी अय्यर, मद्रास वर्सेस एवी अय्यर में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का सेक्शन 4 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 का सेक्शन 4 दोनों की विषय वस्तु समान है। इसी तरह एक केस है आसाम स्टेट वर्सेस बी बंदुआ का केस है ये। इसमें क्या है, आयकर अधिनियम 1922, असम कृषि आयकर अधिनियम 1939, जो कि समान विषय वस्तु होने के कारण इंटरप्रिटेशन समान विषय वस्तु के आधार पर ही इनका किया जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा कानून है और जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेरी मटेरिया मतलब यही है कि इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज सेम देन दे विल बी रेफरेंस विद ईच अदर। हम उनका रेफरेंस जो लेंगे और उनका जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे वो हम उनका जो 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 कंक्लूज़न होगा वो सेम होगा हमेशा। जैसे कि एक और केस है सोनिया भाटी वर्सेस यूपी गवर्नमेंट में क्या है कि जो बाउंड्री अधिरूपण यानी कि सीमा अधिरूपण अधिनियम है सेक्शन 5-6 और पर्याप्त प्रतिफल आयकर अधिनियम सेक्शन 16-3 दोनों का एक ही उद्देश्य था, दोनों साम्य विषय वस्तु से ही रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेरी मटेरिया। यानी कंसेप्ट ऑफ पेरी मटेरिया बेसिकली बिलोंग करता है साम्य विषय वस्तु, ऐसे लॉ जिनकी सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम है, जिनका विषय वस्तु सेम है, तो उनको इंटरप्रेट करते वक्त उनका कंक्लूजन भी सेम होगा। दैट्स ऑल अबाउट द पेरी मटेरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।